कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इस समय यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।